हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस निविया के मॉइस्चराइजर की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूं कल भर के प्राइमर का। प्राइमर को इस तरह मैं अप्लाई और ब्लेंड कर लूंगी। साथ ही मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज और प्राइम दोनों ही कर लिया है। और अब मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर शेप फाउंडेशन, जिसमें कि मेरा शेड है 128 वॉर्म न्यूड। फाउंडेशन को मैं इस तरह डॉटेड करके अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी और एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी एले गर्ल की कंसीलर, जिससे कि मेरे डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो जाए। कंसीलर को मैं अपने अंडर आइज, चिन के यहाँ पर, साथ ही फेस में जहाँ भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। सेम उसी गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को भी इस तरह अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, कंसीलर को इस तरह ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर दोनों को सेट करने के लिए अप्लाई करूँगी मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर, जिसमें कि मेरा शेड है 15 लाइट। इस लूज पाउडर को एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेटल माइट के आईब्रो किट का। और इस किट में से इस डार्कर कलर के शेड को एक एंगलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज पर अप्लाई करूंगी। काफ़ी हल्के आते से उस शेड को मैं अप्लाई करूंगी, जिससे कि मेरे आईब्रोज नेचुरली दिख गए हैं। तो गाइस, इस तरह मैंने अपने दोनों आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फे के आई शेडो पैलेट का। और इस पैलेट में से इस लाइट ब्राउन कलर के शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईज के क्रीज पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो इस लाइट ब्राउन कलर के शेड को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं सेम उसी पैलेट में से इस पिंक कलर के शेड को अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। इन दोनों शेड को मैं इस तरह एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम उसी शेड को मैं अपने दूसरे आईज पर भी अप्लाई और ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं सेम उसी पैलेट में से इस डार्क ब्राउन कलर के शेड को स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने आईज के लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लाइनर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे के लाइनर का। और एक सिंपल सी विंग लाइनर मैं अपने आईज पर इस तरह ड्रॉ कर लूँगी। तो गाइस, इस तरह मैंने अपने दोनों आईज पर नीटली एंड परफेक्टली विंग लाइनर भी ड्रॉ कर लिया है। अब इस यूज ब्यूटी के ब्लश पैलेट में से ब्राउन कलर के मैट शेड से मैं अपने फेस को इस तरह कॉन्टोर कर लूँगी। फेस को कॉन्टोर करने के बाद हम सेम उसी पैलेट में से इस कोरल कलर के मैट शेड को एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एज अ ब्लश में अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। और इस तरह मैंने ब्लश को भी अप्लाई कर लिया है, जो कि दिखने में काफ़ी नेचुरल लग रही है। नेक्स्ट मैं मिस कलर के सिंगल आई शेडो से स्मॉल ब्रश की हेल्प से इस तरह अपने नोज को भी कॉन्टोर कर लूँगी। अब मैं सेम उसी स्विच ब्यूटी के ब्लश पैलेट में से इस शेड को एज अ हाईलाइटर फैन ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स पे, नोज पे और अपर लिप्स पे इस तरह अप्लाई कर लूँगी। साथ ही मैं अपने आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लूँगी। लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की 925 की लिपस्टिक। लिपस्टिक को इस तरह मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने ज्वेलरीज को भी पहन लूँगी और साथ ही मैं अपने बालों को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएगा। और साथ ही इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप अपने लिए ईजिली बाय कर सकते हो। आई होप गाइज ये मेकअप लुक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।